Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की कि इस तरीके से एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ बुनियाद पर जो है वो दर्जेबंद किया गया है. Now, आज हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम दिए जाते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुरक्कब को नाम देने का जो तरीका है वो निज़ाम तस्मिया कहलाता है, जिसको अंग्रेज़ी में नोमेनक्लेचर कहते हैं. निज़ाम तस्मिया किसी को भी नाम दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मुरक्कब को ही नाम दे रहे हैं. बायोलॉजी में हम देखते हैं कि हम नबातात को और हैवानात को भी नाम देते हैं. हमारा खुद इंसान का एक जो है वो साइंटिफिक नाम है, बराबर है. तो नाम देने का जो तरीका है वो निज़ाम तस्मिया कहलाता है. लेकिन चूँकि हम यहाँ मुरक्कबात को नाम देंगे, इसलिए मुरक्कबात को नाम देने का तरीका ये कहा गया कि मुरक्कब को नाम देने का तरीका निज़ाम तस्मिया कहलाता है, यानी जिसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं. यहाँ पहले हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड का निज़ाम तस्मिया क्या है, यानी एल्डिहाइड को हम किन तरीकों से और किस तरह नाम देते हैं. नौ इससे पहले भी मुख्तलिफ नामियाती मुरक्कबात की हमने जमातें पढ़ी और हमने वहाँ पर उनको नाम दिए. तो हमने वहाँ देखा कि ज़्यादातर केसेस के अंदर हम दो तरीक़ों से मुरक्कबात को नाम देते हैं. एक होता है कॉमन सिस्टम और दूसरा है IUPAC सिस्टम, आम तरीका, या ट्रिवियल सिस्टम भी हम उसको बोलते हैं कॉमन सिस्टम को. और IUPAC सिस्टम मीन्स द सिस्टम विच इज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. नाउ अब हम पहले बात करेंगे कि जब हम एल्डिहाइड को नाम देने की शुरुआत करेंगे कॉमन सिस्टम के मुताबिक, IUPAC सिस्टम हम स्विच ऑन करेंगे बाद में, कॉमन सिस्टम के मुताबिक जब हम एल्डिहाइड को नाम देंगे तो क्या तरीका उसका होगा. नाउ जिस एल्डिहाइड को हमको नाम देना है, ठीक है, कॉमन सिस्टम के मुताबिक अगर हमको एल्डिहाइड को नाम देना है तो हम उस एल्डिहाइड की पहले तकसीब करेंगे. एंड यू नो दैट एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये अल्कोहल चैप्टर में भी हमने पढ़ा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस एल्डिहाइड को मुझे नाम देना है कॉमन सिस्टम के मुताबिक, तो मैं क्या करूँगा, इसको तकसीरी आमिल के साथ अमल करवाऊंगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, KMnO4 के साथ, है ना. करीब तकसीरी आमिल के साथ जब अमल कराऊंगा मैं, तो वहां से आने वाली जो ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइड की तकसीर करेगी और इस एल्डिहाइड को उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके मुतल्लिका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करती है. नाउ अब हम जब देखेंगे कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसका कॉमन नेम क्या है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड. क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड. अब इस कॉमन नेम के नाम, ये जो कॉमन नेम बना इसके आखिरी जो हिस्सा है कौन सा हिस्सा है इसका, तो कहते बोल IC एसिड या IC एसिड, इसको मैं हटाऊंगा और इसको हटाकर लव्स एल्डिहाइड लगाऊंगा. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लेस, हटाना है, तब्दील करना है हमको, रिप्लेस IC एसिड ऑफ दिस कॉमन नेम, ठीक है, बाय व्हाट, द वर्ड एल्डिहाइड. एल्डिहाइड से हमको बदलना है. लेकिन इतना हिस्सा FORM जैसे के वैसे रहेगा, IC एसिड हटकर क्या लगेगा, एल्डिहाइड. तो जो नाम बनेगा वो नाम रहेगा और FORM जैसे के वैसा, एल्डिहाइड या वर्ड लगा तो मुरक्कब बना, मतलब नाम बना मुरक्कब का, व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड. नाउ दिस फॉर्मल्डिहाइड इज नेम इज द कॉमन नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड, ठीक है. नाउ इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर. नाउ CH3CHO दिस इज द कंपाउंड, ये एक मुरक्कब है, ये एक एल्डिहाइड है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर CHO मौजूद है, ठीक है. अब इसको अगर मुझे नाम देना है कॉमन सिस्टम के मुताबिक, तो मैं पहले इसकी तकसीब करूंगा, ऑक्सीडेशन करूंगा और वो ऑक्सीडेशन के नतीजे में वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. नाउ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड का जब मैं आम नाम देता हूँ तो वो बनता है एसिडिक एसिड. क्या बनता है? एसिडिक एसिड. नाउ एसिडिक एसिड का के नाम का जो आखिरी हिस्सा है यानी IC एसिड, ये मैं हटाऊंगा, तब्दील करूंगा मैं, रिप्लेस करूंगा मैं कैसे, लव्स एल्डिहाइड से. नतीजे में कर दो, क्या बचा यहाँ पर, ACET ही बचा. नाउ अगर हमने CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 इस मुरक्कब को
फॉर्मल सिस्टम के हिसाब से नाम देना है, तो हम क्या करेंगे, तस्वीर करेंगे, तस्वीर करके इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे हम कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या है। हम देखते हैं कि उसका कॉमन नेम जो है प्रोपियोनिक एसिड है। प्रोपियोनिक एसिड क्या करना है, फिर आईसी एसिड हटाना है और उसकी जगह लगाना है एल्डिहाइड। ठीक है, आईसी एसिड हटाकर तो क्या लगाना है उसकी जगह एल्डिहाइड लगाना है। ये मैं आगे बचा सी आर ओ पी आई ओ एन सी आर ओ पी आई ओ एन। ठीक है, अब आईसी एसिड क्या जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नाम क्या बन गया प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड। दिस नेम, ये जो नाम मिला प्रोपियोनाल्डिहाइड, वो इस मुरक्कब का कॉमन नेम कहलाएगा, यानी आम नाम कहलाएगा। इस तरीके से हम इस बात को मद्देनजर अगर रख रहे हैं कि हमें क्या करना है ना, क्या करना है कॉमन सिस्टम के मुताबिक, तब हम अच्छी तरीके से एल्डिहाइड के नाम दे सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे आई यू पी एस सी सिस्टम। नाउ आई यू पी एस सी सिस्टम दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी खालिस और इतराफी दुनिया की बैन अवी तंजीम के जरिए दिए गए उसूलों को ध्यान में रखते हुए अगर हम नाम दे रहे हैं तो वो तरीका कहलाता है आई पी एस सिस्टम, और उस तरीके से हासिल होने वाला नाम आई पी एस नाम कहलाता है। नाउ आई पी एस सी तरीके के मुताबिक एल्डिहाइड दे आर कॉल्ड एज अल के नल। कौन सा एल्डिहाइड, खुली जंजीर वाले एलिफेटिक एल्डिहाइड जाहिर करते हैं ऐसे आर सिंगल बॉन्ड सी एच ग्रुप से। आर इस द अल्किल ग्रुप, मतलब जितने भी कार्बन रहेंगे इस ग्रुप पे दे विल बी सिंगल बॉन्डेड कार्बन, रिटेरिंग ऑन दिस वाले नो मल्टीपल बॉन्ड देयर। ठीक है, तो उस तरह के जो एल्डिहाइड हैं दे आर कॉल्ड एज, यानी ये सांचे में हमको ठालना है अल्केनल। तो बैठो अल्केनल कैसे आएंगे, अल्केन का जो आखिरी ई है वो हटेगा, ठीक है, और उसकी जगह लगेगा एल, अल एनल। बट रिमेनिंग स्पेलिंग रिमेनिंग अल्फाबेट जो है वो सेम है, ए एल ए ए एन, ए एल ए ए एन। क्या करना है, आखिरी ई हटाना है, यू टू गेट दिस फॉर्मूला आर सी एच ओ। अगर मैं इसका कंपेरिजन अल्केन से करूँ तो आर सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन का एक हाइड्रोजन करके लगा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का। तो उस मुनासिबत से इस तरह के जो एल्डिहाइड है दे आर कॉल्ड एज अल्केनल, इस सांचे में हमको उनको ढालना है। नाउ अगर एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनमें दो सी एच ओ ग्रुप मौजूद अगर हैं, दे आर हैविंग टू सी एच ओ ग्रुप फॉर्मल ग्रुप, एक कार्बन कार्बन जंजीर की साइड है और एक दूसरी साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड में अलग अलग है, क्योंकि सी एच ओ ग्रुप हमेशा रास्ते में किधर रहेगा, टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा। ध्यान में रखिए कभी भी कार्बन कार्बन जंजीर के दरमियान में नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखें। तो क्या होगा उस सूरत में, उस सूरत में हमको जो सांचा आपको दिया गया है वो है अल्केन डाय अल, इसके लिए बात कर रहे हैं अल्केन डाय अल। ऐसे एल्डिहाइड को आईयूपीएसी सिस्टम में कहा जाता है जिनके अंदर दो सी एच ओ ग्रुप रहेंगे, एलिफेटिक रहेगा, कार्बन कार्बन जंजीर खुली रहेगी, लेकिन सी एच ओ ग्रुप कितने रहेंगे, दो रहेंगे। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड अल्केन डायल। लुक एट द स्पेलिंग, जब इस तरह के एल्डिहाइड रहेंगे तब अल्केन की स्पेलिंग पूरी लिखी जाएगी, जो भी मुतालिक अल्केन रहेगा नंबर ऑफ कार्बन जंजीर के लिहाज से उसकी स्पेलिंग पूरी लिखी जाएगी, ए एन के ए एन ई, यानी ई भी वहां पर आपको लिखना है, तब जब दो सी एच ओ ग्रुप रहेंगे तो अल्केन डायल। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखना है, अगर कोई यहाँ ई भी लिखेगा और एल भी लिखेगा तो आपका नंबर कटेगा, उसमें बात ध्यान रखिए। ठीक है, अल्केन डायल। नाउ कोई एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनमें सी एच ओ ग्रुप तो एक है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर कहीं मौजूद है, बराबर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर मौजूद है यार कॉल्ड अल्कीन अल, ध्यान में रखिए। किस सांचे में डालना है उसको, इस सांचे में डालना है ए एल के ई एन अल्कीन। देखिए अल्कीन का अखीर का ही हटाया हुआ है, ई नहीं आता है ना अल्कीन में, तो अखीर का ही हटाकर क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। ठीक है, इस सांचे में हमको डालना है ना। अगर कोई एल्डिहाइड ऐसे है जिनमें सी एच ओ ग्रुप एलिसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, एलिसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हमको मालूम है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन
साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक रिंग अगर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर सी एच ओ ग्रुप एलिसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, दे आर कॉल्ड एज साइक्लोअल्केन कार्बोनिलाइड, ये सांचे में उनको डालना है, ठीक है, साइक्लोअल्केन कार्बोनिलाइड, ठीक है। नाउ ये बात ध्यान रखिए, अल्केनल कहलाएंगे एल्डिहाइड, इस तरह के एल्डिहाइड, अल्केन डायल कहलाएंगे कब, जब दो सी एच ओ ग्रुप रहेंगे, अल्कीनल कहलाएंगे कब, कब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रहेगा सी एच ओ ग्रुप के साथ में, मतलब रास्ते में सी एच ओ ग्रुप भी रहेगा और कार्बन कार्बन चेन में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रहेगा, उस वक्त अल्कीनल कहलाएंगे। और अगर सी एच ओ ग्रुप पॉलीसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, उस तरह के जो एल्डिहाइड है उनको आईयूपीएसी सिस्टम में जब हम नाम देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है, साइक्लोअल्केन, मतलब अगर छह कार्बन वाली पॉलीसाइक्लिक रिंग है सिंगल बॉन्ड वाली बराबर है, तो साइक्लोहेक्सेन आएगा, साइक्लोपेंटेन आएगा, पांच कार्बन है तो चार कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन आएगा, लाइक वाइज सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोअल्केन और आगे लफ्ज का लगेगा कार्बोनिलाइड, ठीक है। इस तरीके से हम नाम देंगे इनको एल्डिहाइड को। नाउ आइए अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं इनमें। तो सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको मैं आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक नाम दे रहा हूँ, आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक, और वो कंपाउंड है मेरे पास HCH डबल बॉन्ड। अभी हमने इसका नाम देखा कॉमन सिस्टम के मुताबिक, वो नाम आया फॉर्मल्डिहाइड, कैसे आया ये हमने देखा अभी। अब आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक हमको इस सांचे में उसको डालना है, मैं क्या देखूंगा, आप मैं देखूंगा कि रास्ते में कार्बन कार्बन जंजीर है या नहीं, तो देर इज सिंगल ओनली वन कार्बन, ठीक है, जंजीर का सवाल ही नहीं है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाला अल्केन मेरे पास कौन सा है, मीथेन, मुझे क्या करना है, मीथेन का ई रिप्लेस करना है, और मीथेन का ई रिप्लेस करना है बराबर है, यहाँ क्या बचा MEPHAN, और E रिप्लेस करके मुझे क्या लगाना है, AL, तो AL लगाऊंगा मैं, तो नाम बना मीथेनल, देखिए मीथेन का AL बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम वाजे होना चाहिए, ठीक है। पहले एग्जामिनर को AL लिखना चाहिए, एग्जामिनर को OL लिखेगा, नामियाती मुरक्कबात की जमात बदल जाएगी, अल्कोहल जमात में चला जाएगा, हाँ मजा आ गया, नंबर कट जाएगा, इसलिए केयर शुड बी टेकन दैट what you have to do here, you have to replace the last E from alkane by what he has, ठीक है, नाम बना methanol, ठीक है, methanol। Now अब क्या करेंगे आप, suppose another example given, H3CH double bond O, ये कंपाउंड को नाम देना है, अब मैं देखूंगा कितने कार्बन है यहाँ पर, दो कार्बन है, पैरेंट अल्केन ईथेन आता है, वो ही मुझे हटाना है, मैं लिखूंगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये लगाऊंगा उसकी जगह, क्या बन गया, देखिए पोजीशन हमेशा सी एच ओ वाले कार्बन की पहली ही रहेगी, ये बात ध्यान रहेगी, हाँ पहली नहीं, क्यों रहेगी, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये फॉर्मिल ग्रुप का जो कार्बन है, यानी कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन को हमेशा नंबर एक दिया जाता है ना, उसको आपको बताया गया कि किस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, नंबरिंग शुरुआत करेंगे किधर से, उधर से भी सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है, मींस द पोजीशन ऑफ सी कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज एट कार्बन नंबर वन, इसलिए वन मीथेन वन अल मीथेन वन अल, इस तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में, हाँ अब अगर समझ लीजिए मेरे पास इस तरह का कोई मुरक्कब है, ओके ना, दिस इज द कंपाउंड, किसी तरीके के मुताबिक नाम देना है, क्या करूंगा फिर मैं, ठीक है, मैं देखूंगा कि सबसे लंबी कार्बन जंजीर कौन सी है, जो उसको आपको बताया गया इससे पहले भी ध्यान में रखिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, तीन कार्बन की जंजीर, ये कार्बन सी एच ओ ग्रुप का कार्बन पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर को मिलते भी चार, क्या हो जाएगा फिर, टू मिथेन, ओके टू मिथेन, एक दो तीन जंजीर में कितने कार्बन, तीन, पैरेंट एल्केन क्या बनेगा, प्रोपेन, PROPANE, वो की हटाना है मुझे और KL लगाना है, क्या बन जाएगा, टू मिथेन प्रोपेन।
तरीके से हम क्या करेंगे, नाम देंगे एल्डिहाइड को, ठीक है ना। अब अगर समझ लीजिए इसी में आपको कॉमन सिस्टम में नाम देना होता तो हम हमेशा याद रखिए जब हम कॉमन सिस्टम में सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड को नाम दे देते हैं, मतलब क्या हुआ, देखिए CH3 CH2 CHO को हमने नाम दिया अभी, ठीक है, हमें नाम दिया हमने कॉमन तरीके से, क्या नाम आया, प्रोपियोनल्डिहाइड नाम आया इसका। अब अगर इस मुरक्कब को मैं देखूँ तो ये जो मुरक्कब है ये वाला, इस मुरक्कब का मीथिल महासिल है, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये CHO फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन गामा, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से नंबर एक होगी नाम दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ CH है, CH3 जैसा के वैसा है, CHO जैसा के वैसा है, यहाँ CH है और यहाँ CH2 है, मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर प्रोपियोनल्डिहाइड के एक हाइड्रोजन को हटाया गया, कौन सा हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन हटाया गया और उसकी जगह CH3 लगाया गया। तो जब हम इस मुरक्कब को कॉमन सिस्टम के मुताबिक नाम देंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे अल्फा बीटा गामा, इन मुरक्कब का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन अलामतों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, मिथिल, अल्फा मिथिल प्रोपियोनल्डिहाइड, ये रहेगा कॉमन नेम इसका, इस मुरक्कब का जिसका नाम क्या है, 2-methyl प्रोपेनल, मतलब कॉमन सिस्टम में सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये मुरक्कब कहलाएगा सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड कहलाएगा, जिसका प्रोपियोनल्डिहाइड का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड जो भी रहेंगे तो वहां पर हम पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन बराबर है, लेकिन जब हम वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे IUPAC सिस्टम का तो हम देखेंगे कि इनमें से वो कौन से सांचे में बैठता है, तो हम देख रहे हैं कि मुरक्कब अल्केनल में बैठेगा तो AL आया, और अब यहाँ पर अल्फा बीटा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबरिंग का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन से मिथिल की शाख, समझ आ गया ना। अभी आपको काम दिए जाएंगे है ना, उसमें से आपको कॉमन नेम भी लिखना है, मुरक्कब आके और IUPAC नाम भी लिखना है, तो केयरफुली आप वीडियो को देखिए सुनिए समझिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ऐसे एल्डिहाइड की जिनमें 2 CHO ग्रुप मौजूद होंगे, तो इसलिए सांचा गया है अल्केन डायल, इसलिए सांचा गया है अल्केन डायल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ना सपोज आई एम हैविंग दिस कंपाउंड, ये मुरक्कब है सपोज मेरे पास, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कितने 2 CHO ग्रुप है, एक इधर भी CHO ग्रुप है, एक इधर भी CHO ग्रुप है। अब ऐसी सूरत में जो मेरे पास सांचा है वो क्या है, क्या है मेरे पास, अल्केन डायल, उस सूरत में क्या करूँगा मैं, अल्केन पूरा लिखा जाएगा वर्ड अल्केन, ठीक है, डायल इस सूरत सांचे में हमको डालना है, ठीक है। तो अब देखूंगा मैं कितने कार्बन की जंजीर है, चार कार्बन की जंजीर है, क्या आ गया ब्यूटेन आया, और स्पेलिंग इसकी पूरी लिखी जाएगी विदाउट एनी रिडक्शन इन स्पेलिंग, ध्यान में रखिए पूरी लिखी जाएगी ब्यूटेन, क्या हो जाएगा फिर पोजिशन बताएंगे हम, पहले कार्बन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथे कार्बन पर ब्यूटेन 1.4 डायल, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, और सिर्फ यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट ब्यूटेन डायल, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पर पोजीशन पहला और चौथा, देखिए मैंने क्या कहा था कि हमेशा CHO ग्रुप पहले नंबर पर जाएगा, कब, जब एक CHO ग्रुप है, जब एक से ज्यादा CHO ग्रुप रहेंगे तो जाहिर दोनों CHO ग्रुप कहाँ रहेंगे, टर्मिनल पोजीशन पर, दरमियानी कार्बन से कोई CHO ग्रुप नहीं जुड़ेगा, यही बात ध्यान में, क्यों, क्योंकि फॉर्मल ग्रुप में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संजीरक क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ये ध्यान में रखिए। तो पहला पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथे पर इसलिए 1 और 4, तो यानी एक CHO ग्रुप पहले के लिए 1 और दूसरा CHO ग्रुप चौथे कार्बन पर है तो 4, इस तरीके से नाम बनेगा ब्यूटेन 1.4 डायल। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें कहा कि उनको